ये लड़की क्या हुआ सर? तूने मेरे पिन की चुबोई? नहीं सर, मैंने कोई पिन नहीं चुबोई। अच्छा, मैं पागल हूँ क्या? इधर खून भी निकल रहा है अब। फौजी ज़्यादा ना बकवास मत कर, ये की चुबेगी तेरे पिन। भाई देख, इसने मेरे पिन चुबोई और अभी तक खून निकल रहा है। पिन चुबोई तूने? नहीं, मैंने कोई पिन नहीं चुबोई। और छोड़ो ना, तुम क्यों फौजी के मुंह लग रहे हो, चलते है ना। देख फौजी, मेरे ना रास्ते के बीच में मत आ, नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, चल। कैसे इशारे कर रही है? नहीं, मैं कोई इशारे नहीं कर रही, वो फौजी मुझे घूर रहा है। ओ फौजी, मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों घूर रहा है? पागल है क्या? मैं तेरी गर्लफ्रेंड को घूरूंगा? देख फौजी, मैं ना फौजी की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए तेरे को अभी तक कुछ कह नहीं रहा, वरना अभी तक बता देता मैं तुझे। ओके भाई, वैसे तो मैं घूर नहीं रहा था, लेकिन अगर गलतफहमी हुई है तो सॉरी, मैं नहीं घूरूंगा। घूरना भी नहीं चाहिए। गाड़ी में हेलो, अगर किसी बार गाड़ी को सामने मार मिल जाएगा, एक बार में समझ नहीं आती क्या तुझे? अच्छा बोल दिया, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग खराब मत कर। ओए क्या कह रहा था? कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड को घूरू ना? घूरूंगा, बोल क्या करेगा? देख, मैं अगर ना कंट्रोल आ लूं, कब तुझे मार के कहाँ गाड़ दूंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, इसलिए भराई इसी में है कि निकलने यहाँ से। भैया तेरी छोटी मोटी धमकी से ना कुछ होने नहीं वाला, तुझे पता है हम रोज बॉर्डर पे कितने बड़े बड़े खतरों से लड़ते हैं। देख फौजी, मैं ना फौज की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए अभी तक तेरे को कुछ कहा नहीं है, चुपचाप निकल ले अब यहाँ से। मैं ना तेरी गर्लफ्रेंड को घूरूंगा और घूरता रहूंगा, बोल क्या कर। क्या हुआ, निकल गई एक थप्पड़ में एकड़ी? बस एक थप्पड़? हिम्मत है तो और मारना, मार। देखो जी, चुपचाप यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता, चल। ओए लड़की कहाँ है? मैं तेरी गर्लफ्रेंड, तुझे पता होगा ना कि लड़की कहाँ है? देखो जी, मुझे पता है, उसे भगाने में तेरा हाथ है, चुपचाप बता दे लड़की कहाँ है। तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ आई थी और तुझे ही नहीं पता तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ चली गई? सर गिरफ्तार कर लीजिए इसे। हाँ हाँ सर, गिरफ्तार कर लो इसे, ये ना मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ रहा है बार बार, और मैं इसे पूछ रहा हूँ कि क्यों छेड़ रहा है, तो कहता मैं तो छेड़ूंगा, गिरफ्तार कर लो सर। सर एक बार लड़की से पूछ लो कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। हाँ शीतल, बताओ ना इसे कि ये तुम्हें छेड़ रहा था, बताओ। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। पहली बात तो मेरा नाम शीतल नहीं है, सना है, और इस आदमी ने मुझे 4 दिन से किडनैप कर रखा है, और अभी कहीं बेचने जा रहा था मुझे, इन्होंने तो बिना सोच समझे बस मेरी मदद ही करी है। चल तुझे तो मैं बताऊंगा लड़की कैसे किडनैप करते हैं। अरे सर मेरी बात तो सुनो सर। चल सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बिना कुछ जाने मेरी हेल्प करी, आपको पता था कि इसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है। पता है मैडम, जब हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं ना, तो हम इन सारे खतरों से बहुत ऊपर चले जाते हैं। जिस दिन हम इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि ऐसा खतरा हमारी जान पे हमेशा बना रहता है, लेकिन फिर भी हम डटे रहते हैं, क्योंकि हमारा देश और हमारे देशवासी हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो बस ये मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था, जो मैंने पूरा किया।